हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऑल बेसिक फार्मूला फॉर एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और एंड 8.4, इनके सारे ही फार्मूले हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को हर फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए, और हर फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को और भी बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, रेशोज का। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है यहाँ पर साइन थीटा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कोस थीटा, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर टेन थीटा, फोर्थ है यहाँ पर कोसेक थीटा, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर सेक थीटा, और सिक्स है कोट थीटा। ये सिक्स पॉइंट है यहाँ पर जिसके हमें रेशो फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर देखो, रेशो कैसे फाइंड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना ताकि 8.1 एक्सरसाइज में ये सारे ही कॉन्सेप्ट पूछे जाने वाले। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। जो एंगल थीटा जो बोला है वो इस एंगल को बोला है, ठीक है, ये रहता। अब यहाँ पर जो ये इस एंगल के अपोजिट में, जैसे ये साइड है बी सी, तो इसको बोलते हैं अपोजिट, यानी पी, परपेंडिकुलर साइड है। और इसके जो नीचे ये वाली साइड है इसको बोलते हैं बेस साइड, यहाँ से यहाँ तक। और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस साइड, यानी एच, हाइपोटेन्यूस साइड एच, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा को हमें फाइंड करना है, तो साइन थीटा का रेशो कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का एक, ये सारे रेशो को निकालने के लिए एक ट्रिक है हमारा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है हमें याद करने के लिए कि साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, यानी फर्स्ट में आ रहा। तो P क्या है यहाँ पर? P ये है, ये वाली साइड, यानी P जो है वो है, ये P आ जाएगा। और जो H है वो H कौन सी साइड है? ये है AC, तो यहाँ पर लिख देंगे हम A, ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन में AC, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, ये हमें रेशो निकालना था तो साइन थीटा आ गया। अब इसी तरीके से कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बी अपॉन में एच। पहले ये रेशो लिखना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो दूसरे पॉइंट पे है वो बी अपॉन में एच, तो बेस क्या है यहाँ पर? ये वाली साइड है, तो यहाँ पर बी अपॉन में एच लिख देंगे, और इसके साथ लिख देंगे ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। इसके बाद टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में बी, तो पी ये साइड है यानी परपेंडिकुलर साइड, तो यहाँ लिख देंगे P, और नीचे क्या है? बेस साइड, ये B है। इसको कैसे लिखेंगे? बी सी अपॉन में ए बी। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हमें देखो कोसेक थीटा यहाँ चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये इसका उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक थीटा, साइन थीटा यानी P अपॉन में H है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन में P। तो यहाँ पर देखो उल्टा हो जाएगा, यानी H अपॉन में P आएगा। ये कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या था? पी अपॉन में एच, लेकिन कोस थीटा क्या है? एच अपॉन में पी, उल्टा हो जाता है। तो एच क्या है? सबसे पहले एच ए ए सी, और पी क्या है? वो बी सी साइड है, ठीक है। इसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा किसका? कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी एच अपॉन में बी। एच एच क्या है यहाँ पर? एच ये हो गया और बी, तो एच क्या है? ए सी, और जो बी है वो ए बी है, ये लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, यानी पी अपॉन में बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी अपॉन में पी, और बी क्या है? ए बी, और पी क्या है? बी सी, ठीक है। इस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो ये हो गए सारे रेशोस, हमें पहले समझना है कि ये रेशो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर आता है, इसके ही एक क्वेश्चन लिखना है जो इस तरीके से, नहीं क्वेश्चन दे दिया कि ये है हमारा ए और ये बी है और ये सी है। अगर हमें बोल रहा है कि ये जो इसके कैलकुलेट ऑल रेशोस ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पर कि जो ये वाली साइड है वो फोर है और ये है थ्री,
हमें क्या है ये साइड पता नहीं है, यानी एच साइड पता नहीं है, तो हमें क्या करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है। तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें, क्योंकि ये वाली साइड जब दो साइड दिया हुआ है, तीनों साइड पता होनी चाहिए थी, तो दो साइड जब दिया होता है तो हम थर्ड साइड पहले निकालेंगे बाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना है एसी। तो एसी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो एसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब एसी क्या होता है, एसी यहाँ पर स्क्वायर ऐसी रहेगा, ए बी की वैल्यू यहाँ पर देखो, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बी की वैल्यू है 4 और बी सी की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पर रख देंगे ए बी की जगह रख देंगे 4 का स्क्वायर और बी सी की जगह रख देंगे 3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 4 को कितनी बार, जब 4 का स्क्वायर है तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 4 जस्ट 16, यहाँ पर हम लिख देंगे 16 प्लस, अब 3 का स्क्वायर है तो जब स्क्वायर होता है तो इसको हम उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 9, यहाँ पर आ गया 9। अब यहाँ जो है ए सी है, ए सी का स्क्वायर है, अब जब ये स्क्वायर होगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, यानी ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू, यह 16 प्लस 9 ये हो जाता है 25, और ये जो स्क्वायर है जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रखता है रूट। अब ए सी इक्वल टू 25 को फैक्टर्स करना है तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, अब पेयर बन गया, जब पेयर बनता है तो एक बाहर निकल जाएगा इसमें से 5 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी जो साइड है वो हो गई, यहाँ पर देख लो ये जो साइड है वो कितनी होगी 5, ये साइड हमें निकालना पहले। अब ये साइड निकालने के बाद ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा सबको। अब इसके बाद सारे रेशो निकालने, यानी हमें निकालना फर्स्ट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन में एच, तो इस ट्राइंगल में देखो पी अपॉन में एच होता है, इस ट्राइंगल में जो पी है वो क्या है, ये पी है और ये बी और ये एच साइड है, तो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन में एच होता है, तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो पी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 और एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, इस तरीके से ये हो गया रेशो, इतना ही करना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है देखो, अब यहाँ पर ये है कोस थीटा, कोस थीटा मैंने बोला था कि जो कोस थीटा होता है वो होता है बी अपॉन में एच, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी अपॉन में एच। अब बी क्या है ट्राइंगल में देखो, ए बी ये बी साइड है तो 4 आ जाएगा, और h क्या है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, तो cos थीटा क्या होगा 4 अपॉन में 5। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हमारा tan थीटा, tan थीटा कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा क्या होता है हमारा देखो, यहाँ पर tan थीटा मैंने लिखवाया था यहाँ पर कि p अपॉन में b, तो p अपॉन में b हो जाएगा, और p क्या है यहाँ से देखो, p क्या है यहाँ पर 3 है और b क्या है 4 है, तो ये हो गया tan। अब यहाँ पर देखो cosec, इसके बाद होता है कोसेक थीटा, मैंने बोला था कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी एच अपॉन में पी, तो एच क्या है यहाँ पर 5, तो 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बी का कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी एच अपॉन में बी हो जाएगा, तो एच क्या है यहाँ पर, एच जो है वो 5 है और बी क्या है यहाँ पर 4 है। इसके बाद आता है cos6 जो है वो cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, अब tan का उल्टा होता है यानी b अपॉन में p हो जाएगा, तो b क्या है यहाँ पर 4 और p क्या है यहाँ पर 3। तो इस जितने भी फॉर्मूले थे वो यहाँ पर ये कवर हो गए और इसके क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूँ इस तरीके से कि यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये साइड जो है फाइंड करना है ए बी सी, यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये साइड है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इसमें निकालना है कैलकुलेट, इसका जो क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ पर लिखना है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें रेशो जो है रेशो हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, AC दिया है यानी 5, ये साइड हो गई H और ये साइड क्या होगी, ये होगी B साइड और ये होगी P साइड। तो P साइड तो हमें दिया नहीं है, तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क है ये, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले जो हमारा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला में हमने यहाँ पर जो थीटा है यहाँ से देख रहे थे, तो जो मैंने बोला था कि इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर रहता है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कि थीटा ये है, तो इसके सामने ये साइड है तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो यहाँ पर जो है हमने थीटा लिया है यहाँ पर। कभी कभी क्वेश्चन में ये देगा कि थीटा जो एंगल है वो यहाँ पर है, तो इसके इसके हिसाब से जो पी है परपेंडिकुलर ये होगा, ये साइड हो जाएगी बी और ये होगी एच, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत अच्छे से करना है इनको, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये साइड देखो, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इधर से मैं देख रहा हूँ, तो जो थीटा के अपोजिट वाला ये पी पी होता है, ये पी होगा और ये जो है साइड वो बेस हो जाएगा और ये ए सी एच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो थीटा एंगल इसके अपोजिट में ये पी है और ये बेस है और ये एच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो थीटा यहाँ है, तो इसके अपोजिट में पी ए है, बी ए एच है। तो इसके हिसाब से हमें फिर वही सेम कर लेना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया। इसके बाद जो है इसके हिसाब से हमें रखना है पी और एच। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पी अपॉन में एच, तो पी ए साइड यानी ए बी, ये वाली साइड ए बी है और एच क्या है ए सी, ये हो जाएगा ऐसी। इसी तरीके से कोस थीटा, कोस थीटा अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, इसमें आप देखो बी तो ये वाली साइड है, तो यहाँ पर लिख दूंगा बी सी और एच क्या है वो ए सी है, तो यहाँ पर लिख दूंगा ए सी। इसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी, तो यहाँ लिख दूंगा पी अपॉन में बी और पी यहाँ पर क्या है वो ए बी है और बी क्या है वो बी सी है, ये लिख देंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है उल्टा, यानी साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी, तो एच क्या है यहाँ पर ए सी है और पी क्या है ए बी, ये वाली साइड है। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, यानी एच अपॉन में बी हो जाएगा, तो एच अपॉन में बी, एच क्या है यहाँ पर ए सी साइड और बी क्या है बी, ये वाली साइड है बी सी। इसी तरीके से कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन टेन थीटा का, तो टेन थीटा यानी पी अपॉन में बी है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। अब यहाँ पर देख लो बी कौन सी साइड है, ये वाली साइड बी है, तो ये हो जाएगा बी सी और पी साइड कौन सी है, ये ए बी, तो मैं हम लिख देंगे ए बी इस तरीके से। अब इसमें अगर क्वेश्चन दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पर कि ये जो है हमारा ट्राइंगल, इसमें ये एंगल यहाँ थीटा एंगल दिया हुआ ए बी सी, अब सपोज यहाँ पर दे दिया कि ये 5 है, ये हमें दिया नहीं है, ये 3 है, ठीक है, तो ये वाली साइड हमें फाइंड करना है पहले, तो ये तो हो जाएगा P, यहाँ लिख देंगे B और ये लिख देंगे हम H, ठीक है। अब इसके अपोजिट में ये P है, तो सबसे पहले ये निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेट कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक नो मैट्रिक ट्रिग्नो मैट्रिक रेशो, ये हमें निकालना है, ठीक है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया था कि जो ए सी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो एच है वो ए सी साइड यहाँ पर दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, ए बी यहाँ हमें निकालना है, तो ए बी एज इट इज रहेगा और बी सी क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 है, तो 5 5 25 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस 3 3 9 हो जाएगा। अब ये इसको इधर लेके जाएंगे तो 25 - 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 25 में से 9 गए तो क्या आएगा 16 इक्वल टू ए बी का
स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, रूट लगेगा यहाँ पर, तो ये हो गया ए बी, खाली ए बी बचेगा। अब इसके दो फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 × 4, तो ये हो गया ए बी, पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा ए बी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 4। इसके बाद अब हमें बोल रहा है कि साइन थीटा निकालो, साइन थीटा, सारे रेशियो पता चल गए। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा देखो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, पहले इस वाले इसमें तो यहाँ से देख रहे थे तो पी अपन में ये पी साइड थी, और इस वाले ट्राइंगल में जो पी है वो ये है और बी ये है, तो और एच ये है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर रखना है। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच, और पी क्या है यहाँ पर देखो ट्राइंगल में पी है ये वाली 4 और एच क्या है 5। इसी तरीके से सेकंड आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है अभी बताया था मैंने, कोस थीटा यहाँ पर बी अपॉन में एच, तो इसमें हो जाएगा बी अपॉन में एच इक्वल टू, इसका उल्टा होगा तो बी क्या है यहाँ पर 3, तो 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड होगा हमारा यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी होता है, तो अब इस ट्राइंगल के हिसाब से रखेंगे तो पी क्या ये है 4 और b क्या है यहाँ 3 है, तो 3 रख देंगे। इसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा साइन का उल्टा, यानी h अपॉन में p। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से h क्या है यहाँ पर 5 है और p क्या है 4, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 ही हो जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यहाँ पर h अपॉन में b, h अपॉन में b लिख लेंगे, और एच अपॉन में बी इस ट्राइंगल के हिसाब से ये 5 अपॉन में बी क्या 3 है। और इसके बाद इसका 6 है कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा होता है, यानी बी अपॉन में पी होता है, तो इसमें बी क्या है 3 और पी क्या है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।